मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सेशन फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड आई होप आवर बोथ चैनल्स विल बी एंजॉयिंग पीडी क्लासेस एंड इंट्रो गाइड यू विल बी लर्निंग लॉट मेनी वीडियोस एंड वाचिंग लॉट मेनी न्यू क्वेश्चंस। आज जो हम क्वेश्चंस दे रहे हैं रिगार्डिंग फिजिकल एजुकेशन टीचर वो बहुत नए बहुत डिफरेंट क्वेश्चन हैं और मेरे सामने मिस्टर रोशन है। मिस्टर रोशन, आप ईस्ट चंपारण बिहार से? यस सर। ओके, तो आपका इंट्रो लेने के लिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश से मैडम है और हमारे पास हरियाणा से कैंडिडेट है अरांचा एंड संदीप। ओके, सो अरांचा है हमारे इलाहाबाद से और संदीप है हमारे चरखी दादरी से। ओके, चलिए मिस्टर रोशन, सबसे पहले मुझे ये बताइए, विच सिटी वाज द वेन्यू फॉर फर्स्ट एंशिएंट ओलंपिक्स? श्योर सर, ग्रीस। ओके, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर्ट एंड ग्राउंड? ओके सर, सर कोर्ट बेसिकली सर डायमेंशन, जिसमें डायमेंशन फिक्स हो उसे कोर्ट कहते हैं और जहाँ पर कोई डायमेंशन नहीं हो उसे ग्राउंड कहते हैं। जैसे कबड्डी का कोर्ट होता है जिसमें मेरा 9x18 फिक्स होता है, उसको ना मैं घटा सकता हूँ ना बढ़ा सकता हूँ। खो खो का कोर्ट होता है 27x16, बट क्रिकेट ग्राउंड होता है, फुटबॉल ग्राउंड होता है, जरूरत पड़ने पर उसको हम घटा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड। डेविस कप इज एसोसिएटेड विद विच गेम? सर लॉन टेनिस। ओके, एंड प्ले टैपिंग टेस्ट इज टू मेजर विच कंपोनेंट ऑफ फिटनेस? सर प्ले टैपिंग टेस्ट बच्चों के लिए किया जाता है जो कि कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, स्पोर्ट्स और गेम में क्या डिफरेंस है? सर स्पोर्ट्स और गेम दोनों का हिंदी में खेल ही बोलते हैं दोनों को सर, right. लेकिन सर गेम में हमेशा टीम खेलती है। ओके, जैसे क्रिकेट फुटबॉल, yes, सर हम गेम में कभी ये नहीं कह सकते कि सचिन तेंदुलकर ने जीत गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जीत गए, हमेशा टीम ही जीतती है, इंडिया जीता, वेस्ट इंडीज जीती, लेकिन सर खेल गेम स्पोर्ट्स जो होते हैं सर, स्पोर्ट्स पार्टिकुलर होते हैं, कोई जैसे रेसलिंग बॉक्सिंग कबड्डी, इसमें हमेशा कोई पार्टिसिपेंट जीतते हैं, जैसे सुशील कुमार जीत गए, मैरी कॉम जीत गई, उनके साथ कंट्री जीतता है, लेकिन इसमें सर गेम में सर हमेशा टीम जीतती है। वेरी गुड। अरांचा, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज। आप फिजिकल एजुकेशन टीचर क्यों बनना चाहते हैं? श्योर मैडम, मैडम जब मैं 6th क्लास में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ली थी तो उस समय मैं वहाँ खेल देखा और मुझे खेलों में बहुत पहले से इच्छा है और मैं पहले 7th क्लास से ही मैं नेशनल खेलना शुरू कर दिया रेसलिंग में कबड्डी में, तो खेलों में इच्छा होने के कारण मैं इसमें आने की चेष्टा की। आपकी अचीवमेंट्स बताइए। सर मैं ऐसे में आई हैव ऑन ऑलमोस्ट 20 सर्टिफिकेट्स माई एक्टिव पार्टिसिपेशन इन डिफरेंट गेम्स, कबड्डी रेसलिंग और क्लस्टर लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल। वेरी गुड। और गोल्डन डक और डायमंड डक, इसमें क्या डिफरेंस है और किस गेम से रिलेटेड है ये? ओके सर, सर गोल्डन डक और डायमंड डक दोनों क्रिकेट से रिलेटेड है। okay. अगर कोई खिलाड़ी बैटिंग पे है और जीरो पे आउट हो जाता है उसको गोल्डन डक कहेंगे, और कोई खिलाड़ी नॉन स्ट्राइक पे है और इधर सारे खिलाड़ी आउट हो गए, उसको कोई बिना बॉल खेले हुए वापस आ गया, कोई मौका नहीं मिला, तो उसको डायमंड डक बोलेंगे सर। ओके, और लिब्रो किस गेम से रिलेटेड है और इसका वर्क क्या होता है? सर लिब्रो बेसिकली वॉलीबॉल से रिलेटेड है। सर लिब्रो का वर्क, लिब्रो तो पहले 5वें प्लेयर होते हैं वॉलीबॉल में, इनका वर्क होता है कि ये सर्विस नहीं कर सकते हैं। okay. सर इनका एक और डिफरेंट बनाता है इनको कि इनका जो किट होता है बाकी 6 प्लेयर से अलग होता है, इनके टीममेट जो जर्सी पहनेंगे जो किट पहनेंगे उनसे इनका किट का कलर अलग रहेगा, ये सर्विस नहीं करेंगे, ये अटैक लाइन के अंदर नहीं आएंगे, जब इनका सर्विस का बारी आएगी तो इनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। okay. और वॉलीबॉल के इन्वेंटर कौन है? सर वॉलीबॉल के इन्वेंटर विलियम जी मॉर्गन सारे खिलाड़ी को आउट कर दिया जाता है तो एक्स्ट्रा 2 पॉइंट दिए जाते हैं जिसको लोना कहते हैं। अच्छा, आपका गेम रेसलिंग आप बता रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि ग्रीको रोमन रेसलिंग और फ्री स्टाइल रेसलिंग इसमें अंतर क्या है? श्योर सर, सर ग्रीको रोमन रेसलिंग में सर जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अपोनेंट खिलाड़ी को कमरवेस्ट के नीचे नहीं पकड़ सकते और अपने लेग का यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन फ्री स्टाइल रेसलिंग में आप कहीं पकड़ सकते हैं, किसी तरह भी अपना टेक्निक यूज कर सकते हैं सर, यही दोनों को डिफरेंट बनाती है। चलिए अपने सिटी के बारे में कुछ बताइए हमें। सर मेरा सिटी ईस्ट चंपारण हुआ, विच इज बेसिकली फेमस फॉर चंपारण सत्याग्रह। सर गांधी जी के द्वारा किया गया या पहला सत्याग्रह था भारत में। सर मेरे सिटी का में 6 अनुमंडल एंड 27 ब्लॉक्स हैं। सर अभी 3968 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है और
2011 के अनुसार इसका जो जनसंख्या पॉपुलेशन है सर 50,99,371। ग्रेट। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को रेसलिंग में कितने मेडल मिले थे? ओके सर, 2 मेडल मिले थे सर। कौन कौन से? और सर दीपक दहिया ने रजत पदक जीता था और बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज पदक जीता था सर। ही वाज रवि कुमार दहिया। रवि कुमार दहिया। चलिए, व्हाट इज एंटीना इन वॉलीबॉल? सर एंटीना इसके लिए साइड लाइन जो होते हैं, जो रेफरी होते हैं वो नीचे नहीं देख सकते, हमेशा वो उनकी एक हाइट फिक्स होती है, उन पर खड़े रहते हैं, तो उनको नीचे लाइन को देखने के लिए नीचे देखना पड़ेगा, इसलिए उस लाइन के जस्ट सामने नेट के ऊपर एंटीना लगाई होती है सर, जिसका हाइट होती है 1.80 सेंटीमीटर, 1 मीटर नेट से इंक्लूड होती है और 80 सेंटीमीटर नेट से अबव होती है। और रेसलिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है? सर रेसलिंग ईरान। ईरान के। अच्छा, खेल में ऑल कोर्ट्स का जो डायरेक्शन होता है वो दक्षिण दिशा में या उत्तर दक्षिण, ये होता है, बट कौन से गेम ऐसे है जिसमें डायरेक्शन पूर्व पश्चिम होता है और ऐसा क्यों? सर पहले तो हम जानेंगे उत्तर और दक्षिण दिशा में क्यों होता है डायरेक्शन। yes. क्योंकि सर हम पूरब और पश्चिम अपने सूर्य सनसेट और सनराइज और सनसेट का डायरेक्शन होता है, हम इस दिशा में प्लेयर को नहीं रख सकते हैं। मॉर्निंग में गेम खेलना हो तो सनराइज का असर पड़ेगा और इवनिंग हो तो सनसेट का पड़ेगा, इसलिए हम सारी कोर्ट को उत्तर और दक्षिण दिशा में रखते हैं। लेकिन सर खो खो ऐसा कोर्ट है जिसका सिटिंग अरेंजमेंट उत्तर और दक्षिण, पूर्व पश्चिम में तो उसका ब्लॉक होता है, कोर्ट होता है, लेकिन सिटिंग अरेंजमेंट उत्तर और दक्षिण में होती है, इसलिए हम उस कोर्ट को पूर्व और पश्चिम दिशा में बनाते हैं। ग्रेट। ओके, आप बिहार से, कुछ बिहार के बारे में हमें बताइए। सर बिहार भारत के उत्तर और पूर्वी के मध्य में स्थित एक बहुत ऐतिहासिक राज्य है सर। बिहार के पुराना नाम मगध है सर, इसकी राजधानी पटना है, जिसे पहले हम पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे सर। अभी वर्तमान में बिहार में 38 जिले हैं सर और 101 अनुमंडल हैं सर। इसकी एरिया जो है 94,168 किलोमीटर स्क्वायर है सर। 2011 के अनुसार इसका पॉपुलेशन जो है सर 10,99,471 पॉपुलेशन है सर इसका। ओके, आप फिजिकल एजुकेशन टीचर आ रही है एज ए KVS, तो डेफिनेटली यू मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट KVS। यस सर, कुछ बता सकते हैं? यस सर, ट्राई कीजिए। सर 15 दिसंबर 1963 को स्टेबलाइज हुआ था KVS। शुरू में सर 20 KVS बनाए गए थे सर, अभी वर्तमान में 1253 KVS हैं, जिसमें भारत में 1250 KVS हैं और आउट ऑफ इंडिया 3 KVS हैं, जो कि काठमांडू, मॉस्को और तेहरान के दूतावासों के अंदर स्थित हैं। ओके, पीटी क्लासेस पर कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है आपको? बहुत ज़्यादा सर, मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बहुत योगदान रहा पीटी क्लासेस का। और अभी हमारे पास अच्छा वक्त है, अच्छा टाइम है, जो हम और ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, बोस बना सकते हैं। ओके, अलग अलग टॉपिक्स पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके सर, श्योर। ओके, विल डेफिनेटली डू, और उम्मीद करता हूँ कि तुम जरूर सिलेक्ट होकर दिखाओ। मेरी बेस्ट विशेस। थैंक यू सर। थैंक यू सर।